हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। अब हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, और अगर हम मास ऑफ मून देखें तो इसको कैपिटल एम में ले लेते हैं, और जो रेडियस है मून का वो क्या है, आर। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमने कर दिया है इसको कि यहाँ पे अगर देखें किसी का वेट निकालना है तो वेट ऑन मून क्या कर दिया, इसको वेट ऑन मून किसके बराबर हो जाएगा, जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, हम जा रहे हैं कंपेरिजन करने किसी वेट का किसके ऊपर, अर्थ और मून के ऊपर। और हम कहते हैं कि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, इट मीन्स उसका वेट भी 6 गुना कम हो जाएगा। तो वो हो कैसे रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो मास ऑफ द अर्थ है वो कितना है, 100 टाइम्स है, और जो रेडियस है वो कितना है, 4 टाइम्स। किसकी कंपैरिजन में, मून के कंपैरिजन में। मून के कंपैरिजन में जो मास है अर्थ का वो तो 100 गुना ज्यादा है, और जो रेडियस है वो 4 गुना ज्यादा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे वेट देखें किसी का विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ E फॉर अर्थ, वेट ऑन अर्थ जी इंटू में, अब क्या हो जाएगा, 100 m इंटू में m यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 r का स्क्वेयर, क्योंकि क्या है ये 4 गुना। अगर इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 डिवाइड बाई 16 r स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास में ये समीकरण आता है, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। अब जब इस तरह का डिवाइड हो, फ्रैक्शन में डबल हो, तो क्या कर देते हैं, हम इसको उल्टा लिखते हैं, तो हमारे पास सिंपल होके क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा, जी से जी कट गया, एम से एम कट जाता, स्मॉल एम से स्मॉल एम, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर। जो बचा हमारे पास में वो क्या है, 16/100, और इसको अगर हम करेंगे 1/6, नियर अबाउट, नॉट फिक्स, 16 16 16 96, 4 बटे, यानी कि 1/6 हम करें तो यानी कि लगभग लगभग 1/6 हमारा क्या होता है, वेट होता है किस पे, मून पे, इन कंपैरिजन टू अर्थ। इस बात का ध्यान करना है, ये मास का जिक्र नहीं है, मास आपका यहाँ पे जितना होगा, 50 किलोग्राम अगर आपका मास यहाँ पे है तो 50 किलोग्राम मास ही आपका चंद्रमा के ऊपर भी होगा, और ये तब समझ में आएगा जब हमें मास और वेट का डिफरेंस समझ में आएगा, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मास तो हमारी वो मटेरियल की इंटायर क्वांटिटी है जो हमारे शरीर में मौजूद है, जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारे अंदर फ्लूइड्स भरे हुए हैं, जो हमारे अंदर प्लाज्मा है, WBC, RBC, मसल्स, जितना भी मटेरियल है हमारे शरीर के अंदर, वो सारी जो क्वांटिटी मिलके बनाती हैं वो है हमारा मास। और जिस फोर्स के द्वारा हम यहाँ अर्थ के ऊपर हैं, ड्यू टू द सेंटर की जो फोर्स है अर्थ की, जो अपने सेंटर की तरफ हमें खींच रही है, वो हमारा वेट है। मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं हम साइंस पढ़ने वालों के लिए, परंतु आम आदमी बाजार में जब भी जाएगा वो किसी चीज का वेट ही पूछता है। वेट और मास क्या है, मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, और वो जो वेट है क्योंकि एक फोर्स है इसको हम न्यूटन में मापते हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें डिफरेंस आएगा, मास में डिफरेंस कहीं नहीं आता है, आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए तो आपका वेट एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ वेट के बारे में है,
मास के बारे में नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल आएंगे कई बार आपको भ्रमित करने के लिए सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी व्यक्ति का मास पृथ्वी के ऊपर 100 किलोग्राम है, चंद्रमा पे कितना होगा, और आप उसको 1/6 कर देते हो। नहीं, मास एज इट इज ही रहेगा। यदि वो वेट के बारे में बात करे तो फिर हमें उसका वेट देखना है कि वेट 1/6 हो जाएगा, और उसके लिए पहले हमें उसका वेट यहाँ पे निकालना पड़ेगा अर्थ के ऊपर। ये नहीं कि आप वहाँ पे उसका 1/6 कर दो 100 का और आप कह दो कि ये उसका वेट है, इतना कम हो जाएगा। नहीं, उसने उसका मास दे रखा ना कि वेट। तो पहले मास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेट में कन्वर्ट करेंगे। और जो वेट निकालने का फार्मूला है वो आपका क्या होता है, वेट जो हम निकालते हैं, यानी कि वेट क्या है, सीधी फोर्स है, और उसको अगर हम निकालेंगे तो क्या है, वेट किसके बराबर है, एम इंटू जी। तो आपको जितना भी मास दे रखा है उसको मल्टीप्लाई विद 9.8, वो क्या आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दे रखा हो उसको मास जो भी है उसको 9.8 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेट हो जाएगा। और इसको 1/6 कर देना, ये वेट आपका मून के ऊपर हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन, ये सीधा सीधा 1/6 आना चाहिए आपका। अगर हम देखें यहाँ पे कि 1/6, अब हमने कितना कर सपोज किया था, 100, हम कह रहे किसी व्यक्ति का मास कितना है, 100 किलोग्राम, तो उसका वेट कितना होगा मून के ऊपर, ऐसा न्यूमेरिकल मान लेते हैं। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, अर्थ पे देख लेते हैं कितना है, जितना अर्थ पे आए। अब इसको हम सैंपल करेंगे, यहाँ पे सिंपल करके आते हैं तो डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटा रहे हैं तो ये तो कितना आ गया, 980। अब इसका 1/6 कर दो, यानी कि डिवाइड बाय 6 कर दो, जो भी आएगा वो वेट कितना हो जाएगा, इसके ऊपर मून के ऊपर चला जाएगा, कि इसका वेट जो है वो मून के ऊपर इतना होगा। तो इस प्रकार से पहले आप मास को वेट में कन्वर्ट करोगे, ये जो वेट था ये वेट था अर्थ के ऊपर, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका मून के ऊपर। ठीक है, अगर हम मून के ऊपर देखें तो क्या हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करने हैं तो 1, 3 बचे, तो 1/6, 2, लगभग लगभग कुछ पॉइंटों में इतना, ये आपका मून के ऊपर है। तो देख कितना डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है किसके कारण से, असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट ऑन बोथ सरफेसेस। शायद इस आपको अब ये बात क्लियर होगी होगी कि वेट क्या है, मास क्या है, और वेट में जो डिफरेंस है वो किस कारण से है, और ये असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है या ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने अब तक की वीडियो में क्लियर की हैं। ठीक है, तो हम एक सैंपल लेते हैं कि किसी बॉडी का जो मास है वो है 10 किलोग्राम, उसका वेट निकालना है। अब वेट निकालने के लिए यदि हमें फार्मूले का पता है तो हम वेट निकाल पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि हम उसका वेट निकाल पाएं। अब वेट जो होता है, जैसे कि वेट क्या है, एक फोर्स है, पिछले टॉपिक में हमने बताया था वेट क्या है, फोर्स, और फोर्स जो होती है वो किसके बराबर है, एम इंटू ए। तो वेट को, फोर्स को तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, डब्लू में, और एम तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये तो एज इट इज रहेगा, और ए असरलेशन था, तो यहाँ पे असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एम इंटू जी। अब हमारे पास में एम दे रखा है, एम कितना है, 10, जी कितना है हमारे पास, 9.8, जी कितना हमारे पास, 9.8। अब इनको हम सिंपल करेंगे तो वो जो आएगा वो हमारा वेट ऑन
अर्थ है, वो क्या हमारा वेट ऑन अर्थ है। अब इसको अगर हम सिंपल करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसके लिए नीचे 10 और 10 से 10, इट मीन्स क्या हो जाएगा 98, और इसको हम लिखेंगे न्यूटन में, 98 न्यूटन। अगर हमारा मास 10 किलोग्राम है तो हमारा जो वेट है वो कितना है 98 न्यूटन। अब यही वेट मून पे कितना होगा, मून पे हमने कहा था क्या है लगभग लगभग 1/6, इसका छठा भाग। यानी कि हम क्या करते हैं, या तो आप इसको कर लीजिए कि 10 9.8 इंटू में 1/6, ये बनेगा हमारा मून के ऊपर, और यही चीज आएगी आपकी सिंपल होके कि 98 डिवाइड बाई 6 लगभग 16.3 न्यूटन, ये जो मास वेट बनेगा, सॉरी ये बनेगा आपका मून के ऊपर। मास तो आपका 10 किलोग्राम अर्थ पे था, मास विल नॉट चेंज किसी भी केस में, चाहे आप कहीं भी जाइए आपका मास चेंज नहीं होगा। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स जो आती हैं आप लोगों को, यही कई बार पूछ लेता है कि मास आपका 10 किलोग्राम है यहाँ पे तो चंद्रमा पे कितना होगा, आप तुरंत करोगे उसका 1/6, मास नहीं जाएगा कहीं भी, मास तो आपका चांद के ऊपर भी 10 किलोग्राम ही रहेगा। कमी आ रही है किसी चीज में तो वो क्या आपका वेट है, वेट क्या है वो फोर्स है जिसके द्वारा वो सरफेस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो पृथ्वी के मुकाबले जो चंद्रमा का सरफेस है वो 6 गुना कम अट्रैक्ट कर रहा है अपने सरफेस की तरफ, और इसका कारण क्या है कि जो पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, यानी कि 100 टाइम्स ज्यादा है और 4 टाइम्स रेडियस ज्यादा है, इस कारण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। क्लियर। अब एक टॉपिक और बचता है हमारा इस चैप्टर के अंदर, वो बचता है डेंसिटी का, घनत्व क्या है। डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होते हैं घनत्व, हिंदी की अगर हम बात करें, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, मास ऑफ द सब्सटेंस एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ये चीज मास। और अगर हम डेंसिटी क्या है, सीधी सीधी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी की अगर हम एसआई यूनिट देखें डेंसिटी की, तो क्या है ये किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ये हमारी एसआई यूनिट है डेंसिटी की। अगर हम देखें, अब डेंसिटी आपको जो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज तैरेगी या कौन सी चीज डूबेगी, जो वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी इससे कम है तो वो फ्लोट कर जाएगी, अदरवाइज वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। पानी से उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, और यही कारण है कि जो आइस की, जो फर्स्ट चैप्टर में आपका क्वेश्चन आता है कि आइस फ्लोट कर जाती है हालांकि वो सॉलिड है, पर अब यहाँ पे क्लियर हो सकता है कि उसकी जो डेंसिटी है वो 920 की है। वो क्या है, 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और वाटर की कितनी है 1000 है, और हमने क्या कहा जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो फ्लोट करेगी, तो यहाँ पे आइस क्या है फ्लोट कर जाती है ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ एयर, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती, खाली जो स्पेस रहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस, उसके अंदर एयर ट्रैप होने के कारण से उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से
कम चली जाती है और इस कारण से जो आइस है वो फ्लोट कर जाती है। लकड़ी की जो डेंसिटी है वो लगभग 800, कितनी है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसलिए लकड़ी भी आपने देखा होगा, लकड़ी भी उसके ऊपर तैरती है। सबसे ज्यादा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो आती है गोल्ड की, 19,300 के करीब। गोल्ड की जो डेंसिटी है वो 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, काफी भारी चीज है। 1 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, 19,300 किलोग्राम गोल्ड आ जाएगा। 13,600 के करीब मरकरी आ जाएगा, 13,600 के करीब मरकरी आ जाता है 1 मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, अब अगर हम देखें किसी की हमने डेंसिटी निकालनी, कहते कि एक मास है जिसका, ऑब्जेक्ट जिसका मास है 50 ग्राम, और अगर हम उसकी डेंसिटी निकालें 1 सेंटीग्राम, अगर वाटर की डेंसिटी देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर की दे रखी है, मास पहले हम लिख लेते हैं एक बार सारी चीजों को। मास दे रखे हमारे पास 50 ग्राम, वॉल्यूम दे दी 20 सेंटीमीटर, और वाटर की डेंसिटी दे दी हमारे पास में, वाटर डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये चीजें हमें दे रखी हैं। वो कह रहा है कि इनको, इनकी डेंसिटी निकाल के बताइए कि वो ऑब्जेक्ट वाटर पे तैरेगा या नहीं। अगर हमें इनकी डेंसिटी निकालनी आती है, डेंसिटी किसके बराबर, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी किसके बराबर है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास कितना है 50, वॉल्यूम कितनी है 20, तो कितना आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्यों, क्योंकि मोर देन 1 है, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1, और यहाँ पे डेंसिटी कितनी आई है 2.5 आई है। इट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा पानी के अंदर। क्या हो जाएगा, ये डूब जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, तो आज आपके ये दो टॉपिक थे। कल से हम इस चैप्टर के जो इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको करेंगे। तब तक आप उनको रिवाइज कीजिए और इस तरह के सैंपल प्रॉब्लम लेके कि वाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज 1/6 है, या फिर हम यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग किसी का डिस्टेंस बढ़ाएं या कम करें तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मास को डबल कर दें एक वस्तु के को या दोनों को डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज के अंदर, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कल सॉल्व करेंगे कि वो किस प्रकार से आपके दैनिक जीवन में। ये चैप्टर ऐसा है कि आप नंबर तो प्राप्त करते ही हो आप 9th क्लास में, पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी सिखाता है जो आपके दैनिक जीवन में काम आती हैं, और वो कलम जैसे फ्री फॉल का है या कोई और चीज है, केपलर्स के ला थे आपके, आपको बता रहे हैं किस प्रकार से ग्रह एक जैसे स्पीड से नहीं घूमते हैं, उनकी स्पीड भी कम ज्यादा होती है, और किस प्रकार से कोई भी चीज ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती, गिराते हैं तो नीचे की तरफ ही क्यों आती है, और इसके फायदे क्या हैं, जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो क्यों बारिश नीचे ही आ रही है, नदियों का पानी नीचे की तरफ बहता है, या किस प्रकार से जो प्लेनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, या जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और फ्री फॉल और कोई फोर्स अप्लाई करके हम किसी को धक्का दे के नीचे की तरफ पुश करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो उसका क्या डिफरेंट रोल रहेगा रिजल्ट के अंदर, वो सारी चीजें
और ये हम कई बार अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन की स्थिति रहती है हमारी मास और वेट के बारे में, और कई बार मास और वेट के बारे में इस कंफ्यूजन की स्थिति का जो लाभ है वो हमारे से कुछ जो चीज खरीदते हैं, सपोज करो उसने वेट में चीज खरीद ली और हमें मास में बेच दिया आगे जाके, वो भी कल हम डिस्कस करेंगे कि उसको कितना फायदा हो जाएगा, कि ये इतना लगभग लगभग उसको, जिसका तो हमें पता ही नहीं लगता है कि इतनी चोरी हमसे वो करके ले गया है। तो वो भी आप दैनिक जीवन में जब भी जाओगे कोई चीज खरीदने के लिए, तो आपको वो वेट में लेनी है या मास में लेनी है, या फिर आप कहीं पोल्स पे जा रहे हो या फिर इक्वेटर पे आ रहे हो, तो उसके वेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।